एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, मीन फाइंड करना। और मीन हम फाइंड करेंगे डायरेक्ट मेथड से। तीन मेथड है, तीनों बता दूंगा आपको। देखो तो जब भी लगे ना छोटे छोटे ग्रुप है, छोटे छोटे नंबर है, तो डायरेक्ट मेथड लगा दो। थोड़ा सा बड़ा है तो एज्यूम मीन लगा दो। उससे भी बड़ा नंबर है, उससे भी बड़े बड़े ग्रुप है, तो आप स्टेप डिविजन से कर लो। और अगर क्वेश्चन में कोई मेथड पूछ ले कि इस मेथड से करना है, तो फिर उसी मेथड से करना, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो पहले मैंने क्या किया, अभी इस ग्रुप को यहां पर लिख दिया है, इसको हमने फ्रीक्वेंसी मानते हैं, यहां पर लिख दिया। अब लेते हैं एक्स आई, एक्स आई को हम सेंटर वैल्यू भी बोलते हैं। एक्स आई मतलब होता है सेंटर वैल्यू, तो मैं यहां पर लिख देता हूँ उसको। आप चाहो तो मिड वैल्यू कह दो, या उसको कह दो आप सेंटर वैल्यू कह दो। इसका मतलब होता है L1 + L2/2। मतलब ये तो है भाई आपका L1 और ये कहलाता है आपके L2। दोनों को जोड़कर हाफ करना, या दोनों का मिडिल वैल्यू क्या है वो हमें निकालना है। जैसे 0 और 2 के बीच में क्या आता है, 1। या फिर दोनों को ऐड करके आधा कर दो, तो दोनों को ऐड करेंगे 2 होता है, 2 का हाफ कितना होता है, 1। अब लगातार 2 2 का गैप है, तो 2 2 ऐड करते रहो। तो ये तो है भाई आपके 1 3 3 और 2 5, 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13। ऐसे सेंटर वैल्यू निकाल लेंगे सबका। अब हम क्या करेंगे, एफ आई को एक्स आई से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 × 1 1 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 6 9 जा 54, 11 2 जा 22, 13 3 जा 39। मतलब एफ आई एक्स आई का मतलब होता है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, और यहां पर आपको लिखना है इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यहां लिखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यहां लिखो, ऐसे मल्टीप्लाई करके आगे आपको लिखना है। अब इसका टोटल कर लेते हैं हम, तो 9 और 2 11 11 4 15 5 20 25 25 और 7 होता है आपके 32। और 3 3 3 9 9 और 7 होता है 16। इसकी टोटल कर ली। अब इसकी टोटल करनी है, एफ आई की टोटल कितनी होती है अभी आपके 20 होती है। और अगर आपको मीन फाइंड करना है, और वो भी किस मेथड से करना है, डायरेक्ट मेथड से करना है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा अभी आपके, सिंपल है। इसकी टोटल में इसकी टोटल का डिवाइड करना है, टोटल को बोलेंगे सिग्मा। जो आपने एक्सेल में पढ़ा हो, एक्सेल में सिग्मा होता है, इसका मतलब होता है जोड़ करना। तो इसकी जोड़ मतलब ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब एफ आई एक्स आई की जो जोड़ हो है वो तो दे रखी है 162। एफ आई की जोड़ यहां दे रखी है आपकी 20। अब आपस में यहां पर कर देंगे डिवाइड, तो 0 हट गया, पॉइंट लग गया। 2 का डिवाइड इसमें जाता है 8 टाइम, पॉइंट का पॉइंट 2 का डिवाइड 2 में जाता है 1 टाइम, और ये आ जाएगा आपके मीन फाइंड, हो जाएगा मीन फाइंड बाय डायरेक्ट मेथड।